नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इंडिया चाइना बॉर्डर पर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो जानलेवा झड़प हुआ था उसी को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किए गए एक नए रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपने इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि चाइना द्वारा अपने सोचे समझे साजिश के तहत ही भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम अमेरिकी इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किए गए इसी रिपोर्ट के बारे में आपको शुरू से लेकर आखिर तक जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसे लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह खुलासा किया है कि चीन ने अपने सोचे समझे साजिश के तहत ही सीमा पर भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो झड़प हुआ था उसके लिए चीन के आर्मी के जनरल कमांडर रैंक के अधिकारी ने ऑर्डर दिए थे। हालांकि उनका ये आदेश पूरे चीन पर भारी पड़ गया और झड़प इतनी हिंसक हो गई कि सैनिक शहीद हो गए और मामला विश्व स्तरीय बन गया और इसमें चीन को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच जानलेवा झड़प को लेकर एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह दावा किया गया है कि चीनी आर्मी के जनरल झाओ झोंगकी ने भारतीय सीमा पर एक्शन का आदेश दिया था और झाओ झोंगकी वेस्ट थिएटर कमांड के प्रमुख है और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत ऐसा किया था, लेकिन उनकी ये प्लानिंग उसी समय फेल हो गई जब भारतीय जवानों ने उनका डट कर सामना करते हुए चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए जबकि चाइना के भी 35 से भी अधिक जवान इस पूरी घटना में मारे गए थे। दोस्तों, माना ये जा रहा है कि चीन का दांव उल्टा पड़ने के कारण उन्होंने अपने सैनिकों के मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पूरे झड़प में 35 से भी अधिक चीनी सैनिक भारतीय सेना संग झड़प में मारे गए। हालांकि चीन मृत सैनिकों के आंकड़ों पर अभी भी चुप है। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने गलवान घाटी के पास बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर रखे हैं और 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत के कुछ अफसर और जवान चीन से बात करने पहुंचे थे और भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से बात करने के लिए इसलिए पहुंचे थे क्योंकि चीनी सैनिक एलएसी से पीछे हटने के बजाय और भी आगे आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान चीनी सैनिक पहले से ही हथियारों से लैस घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पर पहुंचे उन पर हमला कर दिया गया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी पलट कर वार कर दिया। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि जब भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों पर हमला करना शुरू किया था तो ये झड़पें कई चरणों में चली थी जिसमें से पांचवा और छठवां झड़प सबसे ज़्यादा खतरनाक था और इसी पांचवे और छठे झड़प में दोनों तरफ के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे और इसी पांचवे और छठवें झड़प में दोनों देशों के सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा शहीद भी हुए थे। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि इस पूरी झड़प के बाद चीनी ड्रोन को वहां पर उड़ते हुए देखा गया था और ऐसा ये माना जा रहा है कि ये ड्रोन चीन को हुए नुकसान का आकलन कर रहा था क्योंकि उस समय रात था और इस झड़प में कितने लोग शहीद हुए थे या कितने सैनिक घायल हुए थे ये सही से पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि इस पूरी झड़प के बाद चीन उल्टा भारत पर ही हमले और विवाद बढ़ाने का आरोप लगा रहा है और चीन अपने सैनिकों की मौत के बाद को भी दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है और वहाँ की मीडिया और सोशल राइट्स को भी इस हमले में सेंसर किया गया है। वहीं मारे गए चीनी सैनिकों का एक मेमोरियल सर्विस भी आयोजित हुई लेकिन गोपनीय तरीके से और उसे किसी के भी नज़रों में आने नहीं दिया गया।